छात्रों के कलेक्टर ऑफिस जाने के लिए पैदल निकलने पर प्रशासन में मचा हड़कंप। मामला गरियाबंद जिला के छुरा एकलव्य विद्यालय का है, जहां छुरा के छात्र छात्राएं विद्यालय की अव्यवस्था को लेकर पैदल मार्च निकाल दिए। अव्यवस्था से नाराज छात्र छुरा से 30 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिला मुख्यालय जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। बता दें, इसके पूर्व भी विद्यालय में अव्यवस्था को लेकर छात्र हल्ला मचा चुके हैं। वहीं इस मामले को लेकर एबीवीपी छात्र संगठन के द्वारा प्रदर्शन करने पर 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और कुछ घंटे बाद उन्हें रिहा कर दी गई। पैदल जा रहे छात्रों की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया और कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारी तत्काल वहां पहुंचे, जिसमें एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद थे। उनके समझाइश के बाद बच्चे वापस लौटे। बच्चों को कार और बस के द्वारा विद्यालय वापस लाया गया। बच्चों व पालकों के साथ विद्यालय में बैठकर अधिकारियों ने बैठक की, समझाइश की, तब जाकर मामला शांत हुआ है। समस्याएं थी खान पान को लेकर और क्लासेस को लेकर, तो उनकी समस्या जानने के लिए मैं स्वयं यहाँ आया और मैंने 15 दिन का समय मांगा है बच्चों से, तो 15 दिन में सारी समस्याओं का मैं निराकरण कर लूँ। सर, ये जो समस्या, ऐसा दिक्कत नहीं आता, हम लोग को जानकारी मिल गई थी, पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ था और उसी हिसाब से हमने जो है समस्या को पहले ही समझ लिया और हम लोग स्वयं आया यहाँ, और जो भी उनकी समस्या है 15 दिवस के अंदर मैं मैक्सिमम जो भी उनकी मांग है उसको कम्प्लीट करा कार्रवाई करेंगे। 3 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। खान पान को लेके उनकी मांगे थी और कुछ साफ सफाई की उनके प्रमुख मांगे थी, तो उसको जो है 15 दिवस में हमने कंप्लीट करा दी। जो बातें आई थी पहले, जो भी बातें आई थी उसका निराकरण कर दिया गया था। ये जो है अभी मांग आई है, इसका भी हम लोग 15 दिवस का निराकरण करके जो है सभी को अवगत करा, इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, जो जिसकी गलती है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई। ये तो नियम के विरुद्ध है, इसको मैं चेक करवा लूंगा, जो भी नियमानुसार होगा वो करेंगे।